हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऑटो अपडेट वॉलपेपर सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये ऑटो अपडेट वॉलपेपर सेटिंग जो है काम कैसे करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट वॉलपेपर, इस ऑप्शन के सामने वाले बटन को टैप करके इसे ऑन करना है। अगर ये बटन ऑन नहीं होगा ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसी पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर का, इसे आपके सामने वाले बटन को ऑन कर देना है। अब आपको नीचे आकर ये ऑटो अपडेट वॉलपेपर के सामने वाले बटन को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये देखिए ब्लू कलर में बटन ऑन हो चुका है। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी। आपके मोबाइल फोन में ये जो लॉक स्क्रीन होती है ना, लॉक स्क्रीन पर आकर आप इसे राइट में ऐसे स्लाइड करते हैं तो आपके लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर होते हैं। ये जो वॉलपेपर होते हैं ना आपके लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर, ये आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर इनका कभी अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कि ऑटोमेटिकली अपडेट तभी होंगे जब आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा ऑन होगा। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सिम का जो डेटा होता है ना, ये आपका ऑन होना चाहिए। इसके ज़रिए आपके लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर आपके अपडेट ऑटो अपडेट हो जाएंगे। आपका मोबाइल फ़ोन अगर किसी भी वाईफाई से या किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा तो आपके ये वॉलपेपर अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि आपके जो लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर हैं, यही आपके ऑटो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑटो अपडेट ये होंगे लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर। आपके मोबाइल फ़ोन में जो अलग से सेटिंग में जो वॉलपेपर होते हैं, थीम्स होती हैं, उनके जो वॉलपेपर हैं वो आपके ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपके फ़ोन में।